मेरे प्यारे व्यूअर, आप लोगों को बस एक प्रिडिक्ट करना है और एक कमेंट करना है कि मैंने जो अभी टी शर्ट पहना हुआ है ये पिंक कलर का है या फिर रेड कलर का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है कि मैंने लाल टी शर्ट पहनी हुई है या पिंक, पिंक बोले तो गुलाबी। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है। जो सही कमेंट करेंगे, मैं जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उसका कल की वीडियो में टॉप पे पिन कर दूंगा, ठीक है, या फिर उसका नाम बताऊंगा। मैं एक्चुअली में ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो अभी है 100 वाट के बल्ब पे, ठीक है, 100 वाट के बल्ब आप लोगों ने देखा होगा जो पहले लोग यूज करते थे, अभी तो CFL लोग यूज करते हैं, ठीक है, मैं भी CFL यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों 100 वाट का बल्ब पे ये जो है वीडियो शूट हो रहा है, इसीलिए दोस्तों कुछ इल्यूजन आ जाती हैं वीडियो में, तो आप लोगों को कमेंट करना है। और इसके बाद दोस्तों मैं जो तगड़ी वाली न्यूज़ है वो आइडिया वोडाफोन की है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग बता रहे थे कि मैं 35 का रिचार्ज किया तो मुझे जो है 10 GB तक डाटा मिला, ठीक है, तो मैं यही चेक करने के लिए, जो कि मेरे पिछले 10-15 दिन से जो है बंद पड़ा हुआ था मेरा आइडिया का नंबर, ठीक है दोस्तों, उस पर मैंने 35 का रिचार्ज करवाया, ठीक है। और ये बता दूं कि मेरा आउटगोइंग भी बंद हो गया था, इनकमिंग भी बंद हो गया था, ठीक है, 15-20 दिन के बाद आप लोगों का वैसे भी 35 का रिचार्ज नहीं करवाते हो जो कि मिनिमम रिचार्ज है, तो आपका आउटगोइंग इनकमिंग सभी बंद कर दिया जाता है, ठीक है, 15 दिन के बाद। तो इसलिए मैंने अपने से रिचार्ज किया, अपने पेटीएम से, तो अपना आइडिया के नंबर पे। तो रिचार्ज करने के बाद दोस्तों मुझे जो है G5 का जो है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन वो फ्री में मिला, बिल्कुल फ्री में मिला। उसके बाद दोस्तों इसके साथ ही मुझे जो है 2 GB का डाटा मिला जो मैं अपने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी पता नहीं क्या ऑफर चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं ये, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ही बेहद ज़रूरी समझा और ख़ास समझा, क्योंकि यदि आप लोग अपना नंबर पर रिचार्ज करवाते हैं 35 का, इसके साथ आपको 2 GB डाटा मिलता है, तो 2 GB डाटा काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि जो लोग रिचार्ज ही नहीं करवा रहे हैं, जो कि प्राइमरी सिम के रूप में यूज कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी है 2 GB, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है सेकेंडरी के रूप में यूज करते हैं उसके लिए 2 GB काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी जब भी यूज करेंगे तो प्राइमरी में वो अपना एयरटेल या जियो का सिम यूज करें ही करें होंगे, यानी कि वो अनलिमिटेड पैक रखते होंगे और साथ ही ये सिम रखते होंगे आइडिया वोडा का सिर्फ मैसेज या फिर कॉल करने के लिए या फिर मिस कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बैंक से लिंक रहता है, बहुत सारे चीज़ से अटैच रहता है नंबर, इसीलिए उसे रखना पड़ता है। इस कंडीशन में भी आप लोग यदि 35 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 2 से 10 GB तक डाटा मिल सकता है और आप लोग इसे यूज कीजिए। जिसे दोस्तों यूज नहीं करना है वो मुझे ट्रांसफर कर देना, कमेंट कर देना, मैं उससे वो 2 GB या 10 GB डाटा ले लूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों था कि 35 का रिचार्ज करवाओ तो आपको कुछ ना कुछ डाटा बेनिफिट अभी मिल रहा है, तो अभी जल्दी से जाओ इसका मौका का फायदा उठा लो। तो दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जो नया मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेलकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।